बालाघाट क्षेत्र में कई दिनों से बारिश की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन बारिश बहुत कम हो रही थी और किसान खासे परेशान थे। कुदरत का कहर लेकिन इस बार नजर आया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सावन मास के खत्म होते ही बारिश का दौर शुरू हो गया है और ऐसी बारिश हुई है कि जनजीवन अस्त व्यस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लाखों रुपये की यहाँ पर कहना चाहिए आर्थिक हानि क्षेत्रीय लोगों को हुई है। ऐसा ही मामला नगर मुख्यालय बालाघाट में भी देखने को मिला है। लगभग 14 वाट का पानी वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर रोड के निचले स्थान यानी पटरी के पास के रहवासियों के सामने नजर आया है। रात्रिकालीन तेज बारिश होती है, अफरा तफरी का यहां पर माहौल हो जाता है, लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। वहीं अगर देखा जाए तो क्षेत्र के 14 वाट का पानी की निकासी रेलवे पटरी के किनारे से होती है। इन निकासी के लिए अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया। फिलहाल यह लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं और ईश्वर के सामने ही प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन तो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा।